नमस्कार दोस्तों, YouTube में होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुके हैं, आज मैं आपकी समझ उसका डिस्कस करूँगी और जो डिटेल होगा मैं उसको आपसे मतलब कि क्लियर करूँगी। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ कंज्यूमर पासेज थ्रू 5 स्टेज इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस, अरेंज द सीक्वेंस डिसीजन मेकिंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी मैंने आपको जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस पढ़ाया है गृह प्रबंध में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले हमें किसी निर्णय लेना हो कोई चीज़ को खरीदने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। जैसे पहले आपने डिसीजन मेकिंग में पढ़ा है, सबसे पहले अपने समस्या की पहचान करेंगे, तो उसी तरह से है, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद है हमारा कि उस समस्या की पहचान कर लिए तो उससे संबंधित हम सूचना को ग्रहण करेंगे, यानी सूचना प्राप्त करेंगे, यानी जो भी हमारी समस्या है उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम सर्च करेंगे। अब उस इन्फॉर्मेशन मुझे कई मिल गया है, अब कई इन्फॉर्मेशन में अल्टरनेटिव चेक करेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि इसमें से कई कई इन्फॉर्मेशन, उसमें से मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है या कौन सा हमें लेना है, तो ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अल्टरनेटिव्स को कई इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद परचेज डिसीजन, यानी खरीदने के लिए एक डिसीजन यानी कई अल्टरनेटिव में से एक को चुनते हैं। उसके बाद लास्ट में पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी उसके बाद मतलब खरीदारी करते हैं या खरीदते हैं, तो ये इसकी प्रोसेस है। जैसे आपका डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस प्रक्रिया है, सेम उसी तरह से है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, फिर अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएशन करते हैं, लास्ट में एक निर्णय को लेते हैं और लास्ट में भोजन को मतलब जो भी चीज़ मुझे खरीदना है उसको हम परचेज करते हैं। तो देखिए इसमें इसका उत्तर होगा बी पहले होगा, उसके बाद ए ई सी और डी। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी मैंने आज ये आपको ये सॉल्व कराया है फैमिली लाइफ साइकिल, तो ये फैमिली लाइफ साइकिल से ही देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है इसमें कि यदि आप उस फैमिली लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़े हुए होंगे, अच्छे से आपने देखा होगा उसको डिटेल, तो इसका आंसर आप लगा सकते हो। तो देखिए इसमें है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल एज पर दियर ऑर्डर ऑफ अकेरेंस। यानी इसमें कहने का मतलब है कि फैमिली लाइफ इसका स्टाइल जो साइकिल है उसका क्या स्टेज है, पहली स्टेज क्या है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। देखिए इसमें आपका करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, यानी उस पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। तब इसमें देखिए सबसे पहले है क्या होता है, पीरियड ऑफ इस्टेब्लिश। मैंने अभी बताया आपको कि एक स्थापत्य अवस्था होती है पहली, तो इसमें आपका पीरियड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड इसको हम एलिमेंट्री स्कूल इस तरह से इसमें आगमन हो सकता है। इसमें दूसरे स्टेज में आपका होता है कि चाइल्ड वियरिंग, यानी इसमें बच्चे की देखभाल करना, बच्चे के छोटे यानी प्ले स्कूल, फिर उसके बाद आपका हाई स्कूल एंड कॉलेज, फिर लास्ट में डिग्री लेने के बाद आपका वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑप्शन, यानी बच्चे का किसी नौकरी या किसी जॉब में उसको एडजस्टमेंट हो जाना, और फिर लास्ट में आपका आता है कि फाइनेंशियल रिकवरी। यानी फाइनेंशियल रिकवरी का मतलब कि जो हमारा वित्तीय जो होता है उसकी रिकवरी करना, कि जो हमने खर्च किया है उसको रिकवर करना, और लास्ट में आपका क्या आता है, रिटायरमेंट। देखिए कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को हल कर ले गए। तो इसमें से पहला आपका क्या होगा, ए, दूसरा बी है आपका, और तीसरा आपका डी है कि हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पढ़ाई। उसके बाद आपका आता है डी, हाई स्कूल एंड कॉलेज। उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल रिकवरी, लास्ट में रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसमें देखिए आपका वो योजनाएं पूछा है। इसमें अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर इम्प्लीमेंटेशन। यानी जितने भी आपके जो मतलब कि एक्ट पारित किए गए थे वो पैक एक्ट कब कब किए गए हैं, इसको आप पहचान करके तब आप इसको सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डाउरी प्रोविजन और प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हिंदू मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और उसके बाद नेक्स्ट है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट। तो दोस्तों इसमें से आपको यदि आपको इसका पता होगा ईयर तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ हिंदू मैरिज एक्ट इसमें सबसे पहले हुआ था 1955 में। उसके बाद आपका आता है कि डाउरी एक्ट 55 के बाद क्या आएगा,
इकसठ आएगा, यानी एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो अब सीक्वेंस सबसे पहले यानी सबसे छोटा, सबसे कम में सबसे पहले कौन हुआ था, 1955 में आपका हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद डाउरी एक्ट 1961 में, फिर उसके बाद आपका आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी ये मतलब कि प्रेगनेंट लेडी के लिए इसको एक एक्ट बनाया गया जिससे उनका सही तरीके से सुरक्षा और देखभाल हो सके। ये 1971 में किया गया था। उसके बाद आपका आता है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये आपका 1994 में आया था, जो प्री कॉन्सेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक चेक करने के लिए एक प्रेगनेंट लेडी को। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी जो घरेलू हिंसा से संबंधित प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था 2005 में किया गया था। और लास्ट में आपका है कि द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क, यानी जो काम करती हैं जिस स्थान पर उस पर उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, इसके लिए एक एक्ट पारित किया जो 2012 में किया गया था। यदि आपको ये पता होगा तो आराम से इसको कर सकते हो, इसमें आंसर सही होगा डी बी ए सी और ई और एफ। लास्ट में चलते हैं हमारा, इसमें क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सुएसिव स्पीच प्रपोज्ड बाय अरस्तु। इसमें आपको बताना है कि एक सीक्वेंस से कैसे अरस्तु का जो पर्सुएसिव स्पीच कम्युनिकेशन यानी है उसको कैसे सीक्वेंस है। इसमें से पहले क्या होता है इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब कोई चीज़ की खोज करना, कोई नई चीज़ को क्रिएट करना। उसके बाद आपका आता है अरेंजमेंट, यानी उस जो नई खोज हुई है उसको कैसे आपने अरेंजमेंट कैसे करना है, कैसे कैसे आपको उसको व्यवस्थित करना है उस टेक्स्ट को। उसके बाद आपका आता है कि किस स्टाइल में देना है, आप इसमें आपका टीचिंग एड्स आ सकता है। इसके बाद आपका इसके बाद है आपका मेमोरीज को मेमोरी में धारण करेंगे और लास्ट में उसको क्या करते हैं डिलीवर करते हैं, डिलीवर का मतलब उसको ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होगा इन्वेंशन, उसके बाद आपका नेक्स्ट अरेंजमेंट, उसके बाद है आपका स्टाइल, फिर मेमोरी, उसके बाद डिलीवर। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग ये टेस्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब मैं इसको आपको इसके बाद मैं आपको इसको डिटेल समझाऊंगी, लेकिन आज इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसका जो फेलिंग टेस्ट होता है यानी एक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड को किससे वो टेस्ट जो है केमिकल कंपाउंड किससे रिलेटेड है किस टेस्ट से, तो ये आपको बताना है। इसमें इसमें आपका है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर यानी शुगर को कम करने के लिए टेस्ट किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर को पता लगाने के लिए फेलिंग टेस्ट का प्रयोग करते हैं। भी आता है आपका सेलिवोन्स टेस्ट, इसमें है आपका कीटोस शुगर यानी शरीर में जो कीटोस बन जाते हैं उसको शुगर को पता करने के लिए सेलिवोन्स टेस्ट का करते हैं। तीसरा हमारा जेलडॉल टेस्ट, जेलडॉल टेस्ट में हम क्या होता है जेलडॉल में हम क्या होता है नाइट्रोजन का केमिकल कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए सेलडॉल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है जेंथ्रोप्रोटिक, जेंथ्रोप्रोटिक जो होता है आपका इसमें आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड को कंपाउंड को जांच करने के लिए करते हैं। लास्ट में आपका आता है नाइट्रोप्रोसियोड टेस्ट, परस्यूट टेस्ट, इसमें है आपका आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यानी इसमें जो नाइट्रोप्रोसियोड टेस्ट है ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें सल्फर पाया जाता है। तो ये हुआ इसका आंसर, यानी फेलिंग टेस्ट किसका है, फेलिंग टेस्ट है आपका देखिए इसमें रिड्यूसिंग शुगर क्या है, और आपका सेलिवन टेस्ट जो होता है आपका इसमें आपका कीटो शुगर, और उसके बाद जेलडॉल टेस्ट है ये आपका नाइट्रोजन टेस्ट के लिए है, जेंथ्रोप्रोटिक जो होता है आपका ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए, लास्ट में है नाइट्रोप्रोसियोड टेस्ट ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पाया जाता है। अब चलते हैं इसमें आपका कि मैच द फॉलोइंग डिफिशियंसी यानी कौन सी न्यूट्रिएंट दिए गए इस न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या हो जाता है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। इसमें आपका फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से आपका क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है किसकी कमी से फोलिक एसिड की कमी से होता है। उसके बाद जिंक की कमी से क्या होता है हाइपोग्यूसिया हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में टिटैनी नामक रोग हो जाता है, जो हमारे शरीर में हाथ पैरों में ऐंठन होती है और दर्द होता है। उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन जो होता है हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, उसी तरह हमारी ये मस्तिष्क को इम्पेयर करने के लिए यानी इसका मतलब ये काम करता है। राइबोफ्लोविन क्या होता है इससे चिलोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं कि जो ओठ को किनारे किनारे जो फटते हैं उसी को ही चिलोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए कितना आसानी से ये आप हल कर लेगा, यदि आपको उस टॉपिक को पूरा डिटेल पढ़ा होगा तो उससे वो आसानी से आप मैच करा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं
ये जो क्वेश्चन है आपको, ये कल मैं आपको डिटेल करूंगी और भी। तो तब के लिए आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।